and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 Mein 30. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को किया गया स्पॉट जब वो अपने पेरेंट्स से मिलने बेंगलुरु रवाना हो रही थी. दीपिका यहाँ नजर आई काफी अच्छे मूड में. एंड दीपिका वाज लुकिंग शीक एज एवर एट द एयरपोर्ट वेयरिंग अ क्यूट ब्लू टॉप एंड डेनिम जीन्स. 30 में 30. कटरीना कैफ का व्हेल फिश के साथ स्विमिंग करते हुए ये वीडियो हो गया है वायरल. इस वीडियो में कटरीना को अंडर वाटर स्विम करते हुए देखा जा सकता है और कटरीना व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. 30 में 30. शाहरुख खान ने फाइनली अपनी अपकमिंग अनुष्का स्टारर फिल्म की अनाउंसमेंट इस पोस्टर के साथ कर दी है और इस फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल. इस फिल्म का पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और अब जबकि इस फिल्म का नाम हैरी मेट सेजल रखा गया है तो इसे शाहिद करीना स्टारर फिल्म जब वी मेट की याद जरूर आ जाती है. 30 में 30. रणबीर कटरीना फाइनली एक पब्लिक इवेंट पर साथ नजर आएंगे. सोर्सेस की माने तो बहुत जल्द फिल्म जग्गा जासूस के एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर रणबीर कटरीना एक साथ नजर आएंगे और ये ब्रेकअप के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब ये एक्स लव बर्ड साथ दिखेंगे. 30 में 30. खबरों की माने तो शाहरुख खान अनुष्का स्टारर फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ट्रेलर सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के साथ थिएटर में दिखाया जाएगा. सोर्सेस का कहना है खुद शाहरुख ने सलमान से इस बारे में बात की है और SRK की रिक्वेस्ट पर सलमान ने तुरंत उन्हें हाँ कह दिया. 30 में 30. खबरों की माने तो रिसेंटली सलमान खान की सिस्टर के घर हुई पार्टी में उलिया के साथ साथ कटरीना कैफ को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि उलिया को अवॉइड करने के लिए कटरीना इस पार्टी में नहीं पहुंची. 30 में 30. लेट ऑन द शो सोनाक्षी सिन्हा का न्यू लुक आया सामने. बॉलीवुड दीवा सोनम कपूर का है आज बर्थडे. अब सोनम के बर्थडे को खास बनाने के लिए उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनम के बूमरैंग वीडियो को किया है शेयर. इस वीडियो में नजर आ रहे हैं ह्यूज लाइटेंड कार्ड्स जिस पर लिखा है सोनम का नाम. 30 में 30. आमिर खान और फातिमा सना शेख की जोड़ी थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद अब एक और फिल्म में आएगी नजर. जी हाँ, खबर ये है कि राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा में आमिर और फातिमा सना शेख एक बार फिर से आएंगे नजर. सना ने जहां दंगल में आमिर की बेटी का रोल किया था अदा, वहीं इस मूवी में वो आमिर की वाइफ का रोल करेंगी प्ले. आमिर और फातिमा सना शेख को ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए देखना होगा, काफी दिलचस्प. 30 में 30. सलमान खान हमेशा से कहते आए हैं कि वो चाहते हैं कि फिल्म की टिकट सस्ती होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फैंस फिल्म को एंजॉय कर पाएं। लेकिन अब सलमान ने फिल्म ट्यूबलाइट की टिकट्स की प्राइस को कम करने से इनकार कर दिया है. सलमान का कहना है कि उन्होंने फिल्म जय हो की टिकट्स की प्राइस को काफी कम कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के कलेक्शन पर इसका काफी बड़ा असर पड़ा था और लोग इसे फ्लॉप फिल्म तक कहने लगे थे. ऐसे में वो अब इस तरह का रिस्क फिर नहीं लेने वाले हैं और ट्यूबलाइट फिल्म की टिकट्स बाकी फिल्म की तरह ही होगी. 30 में 30. प्रियंका ने मुंबई में लैंड करने के साथ ही बॉलीवुड में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया है. पीसी ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है एक पिक्चर. इस पिक्चर में काफी सारी स्क्रिप्ट्स एक दूसरे पर रखी हुई आ रही हैं नजर. शी कैप्शन द पिक्चर एज व्हाट्स गोना बी नेक्स्ट, आई लव देम ऑल, #script nights, #homework, #champagne problems, #Mumbai Diaries, #global entertainment. 30 में 30. क्या दीपिका की वजह से रणबीर ने कटरीना के ऑपोजिट काम करने से किया इनकार? कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नीता मेहरा ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए इन दोनों ही एक्टर्स को अप्रोच किया था और जहां कटरीना इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड थी, रणबीर ने अचानक इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह दीपिका पादुकोण को बताया जा रहा है। 30 में 30 बेवॉच के प्रमोशंस के दौरान प्रियंका की उनके को स्टार ड्वेन जॉनसन के साथ केमिस्ट्री की काफी चर्चा हुई थी और एक बार फिर प्रियंका ने ड्वेन के बारे में बात करते हुए किया एक इंटरेस्टिंग कमेंट। प्रियंका कमेंटेड, आई डेफिनेटली थिंक ही वुड मेक ग्रेट मैरिज मटेरियल बिकॉज आई हैव सीन हिम विद हिज फैमिली एंड आई हैव सीन हिम विद हिज किड्स एंड आई नो हाउ मच ऑफ अ फैमिली मैन ही इज। द ओनली थिंग यू नीड इन अ हस्बैंड इज ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट एंड द रॉक टोटली एक्स्यूड्स दैट। 30 में 30 फातिमा को मिल रही है भारी क्रिटिसिज्म। वजह है उनका ये ट्विटर पर पोस्ट किया गया बिकिनी पिक। दरअसल कुछ लोगों को फातिमा का रमजान के महीने में ऐसी फोटो शेयर करने की बात रास नहीं आई और इसलिए फातिमा को ट्विटर पर कही गई तरह तरह की बातें। 30 में 30 दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना एक बोल्ड पिक्चर शेयर किया था और इस पिक्चर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें टारगेट करने लगे। वहीं दीपिका के फैंस उन्हें डिफेंड करते नजर आए और ये बोल्ड पिक्चर ऑनलाइन एक डिबेट का इशू बन गया। 30 में 30 अपनी बेगम जान करीना की रिक्वेस्ट पर सैफ ने अपने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट को किया डिच। कहा जा रहा है कि सैफ अली खान को एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करना था जिसके लिए उन्होंने पहले से ही कमिटमेंट दे रखा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर करीना कपूर खान ने सैफ से कहा कि वो एक पॉपुलर अवार्ड नाइट में उनके साथ परफॉर्म करना चाहती हैं। फिर क्या था, करीना की डिमांड के बाद सैफ ने अपने दूसरे इवेंट को कर दिया कैंसल। 30 में 30 एक रिसेंट इंटरव्यू में कटरीना ने जग्गा जासूस के डिले पर की बात। कटरीना ने कहा, आई डोंट वांट टू से इट्स दिस रीजन और दैट रीजन और व्हाटएवर एल्स इट इज, दैट्स फॉर द ऑडियंस टू जज, बट ऑल आई कैन से इज दैट द यूनिकनेस ऑफ दिस फिल्म रिक्वायर्ड इट टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। आई ओनली फोकस ऑन द नाउ पार्ट, आई एम ऑलवेज लाइक टुडे आई एम ऑन द सेट वेदर इट्स द थर्ड ईयर और द सेकंड मंथ ऑफ द फिल्म एंड देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी सो आई बेटर बी 1000% फोकस्ड एंड इंस्पायर्ड। 30 में 30 अनुष्का शर्मा की थर्ड प्रोड्यूस्ड फिल्म की शूटिंग आज से मुंबई में शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को अनुष्का मुंबई के साथ साथ कोलकाता में शूट करेंगी और ये फिल्म भी NH-10 और फिल्लौरी की तरह होगी बाकी फिल्म से जरा हटके। 30 में 30 कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस करीना कपूर खान फिलहाल एक साल में ही एक फिल्म साइन करेंगी क्योंकि वो अपने बेबी तैमूर के साथ करना चाहती हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। सोर्सेस का कहना है कि इसी वजह से अब तक करीना ने वीरे दी वेडिंग के अलावा किसी फिल्म को साइन नहीं किया है। 30 में 30 दीपिका और विन डीजल ने अपनी फिल्म ट्रिपल एक्स के सेट पर शेयर की थी काफी गुड इक्वेशन और ये दोनों बन गए थे एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन लगता है कि आजकल दीपिका को काफी मिस कर रहे हैं विन डीजल, तभी तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है अपनी और दीपिका की एक अडोरेबल सेल्फी। ही कैप्शन द पिक्चर एज ऑल लव #TripleX Thursdays। 30 में 30 प्रियंका चोपड़ा के मुंबई पहुंचने के बाद से ही कई फिल्म मेकर्स ने किया है अपनी फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच, लेकिन सोर्सेस के अकॉर्डिंग पीसी कर सकती हैं भंसाली के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, इस फिल्म में प्रियंका पोएटिस अमृता प्रीतम का रोल प्ले करती हुई आएंगी नजर। वेल, फिल्म के लीड मेल के लिए अभी नहीं हुआ है कोई भी नाम फाइनल। 30 में 30 श्रद्धा कपूर की तैयारी हो गई है शुरू। श्रद्धा कपूर करने जा रही हैं साइना नेहवाल की बायोपिक और इसी के लिए वो बैडमिंटन लेसन्स ले रही हैं। श्रद्धा ने ये फोटो शेयर करते हुए किया इसका ऐलान। इंटरेस्टिंगली, श्रद्धा को इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करेंगे दीपिका के डैड और एस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोणे। 30 में 30 बाहुबली 2 में प्रभास अनुष्का की बिलावट पेयरिंग एक बार फिर आएगी बड़े पर्दे पर नजर। प्रभास की आने वाली फिल्म साहो में उनके ऑपोजिट फाइनलाइज किया गया है अनुष्का को। जहां पहले इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी का नाम सामने आया था, वहीं अब अनुष्का को किया जा चुका है फाइनल। 30 में 30 श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म हसीना अब 28 जुलाई को की जाएगी रिलीज। जग्गा जासूस के साथ डेट क्लैश से बचने के लिए लिया गया है ये फैसला, लेकिन अब 28 जुलाई को एक साथ रिलीज होंगी 4 फिल्में। इस दिन अर्जुन कपूर स्टारर मुबारकां और श्रद्धा कपूर स्टारर हसीना के साथ ही रिलीज होंगी मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार और लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा। 30 में 30 सलमान खान और संजय लीला भंसाली फाइनली एक साथ काम करते आएंगे नजर। इस बात को खुद भंसाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया है रिवील। सलमान ने पहले ही इस बात को किया था एक्सेप्ट कि वो भंसाली के साथ फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं काम, और अब आखिरकार भंसाली ने भी ये किया एक्सेप्ट कि वो 10 साल बाद एक बार फिर से आएंगे सलमान के साथ। भंसाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सलमान की एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा है, वी आर बैक टुगेदर #reunion आफ्टर 10 years। 30 में 30 लगता है सोनाक्षी सिन्हा अपने लुक से हो गई थी बोर, तभी तो उन्होंने डिसाइड किया अपने लिए एक लिटिल मेकओवर। मुंबई के एक सैलून में रिसेंटली दबंग एक्ट्रेस को किया गया स्पॉट। सोनाक्षी ने गोल्डन ब्राउन हेयर कलर को ऑप्ट करके अपने लुक को किया पूरी तरह से चेंज। वेल वी होप टू सी हर न्यू लुक ऑन द स्क्रीन एट द अर्लीएस्ट। 30 में 30 शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बर्थडे सेलिब्रेशन की एक पिक्चर शेयर करते हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कहा है थैंक्स। इस पिक्चर में शिल्पा अपने एंटायर गैंग और बर्थडे केक्स के साथ कर रही हैं पोज। शी कैप्शन द पिक्चर एज टू द पीपल दैट गिव मी अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, कांट थैंक यू ऑल इनफ, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस इन व्हाटएवर सिचुएशन बिकॉज ऑफ यू, हैशटैग माय टीम, हैशटैग फ्रेंड्स लाइक फैमिली, हैशटैग स्वस्थ रहो मस्त रहो, हैशटैग ग्रैटिट्यूड, हैशटैग सेलिब्रेशन। 30 में 30 नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज का पोस्टर ऑलरेडी हो चुका है आउट। इस फिल्म में नवाज एक शार्प शूटर का रोल कर रहे हैं प्ले। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई है, लेकिन इसका एक क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस नेक्स्ट वीक बुधाना में किया जाएगा शूट। वेल नवाज अपनी इस फिल्म को लेकर नजर आ रहे हैं काफी एक्साइटेड। 30 में 30 प्रियंका ने किया इंटरनेट ट्रोल्स के खिलाफ कमेंट। रिसेंटली प्रियंका ड्रेस गेट कंट्रोवर्सी के चलते बनी थी इंटरनेट ट्रोल्स का लेटेस्ट शिकार, और इसके पहले भी अपने मेट गाला ड्रेस की वजह से पीसी को किया गया था इंटरनेट पर ट्रोल, और अब प्रियंका ने ट्रोल्स पर किया ये कमेंट, आई फील लाइक वी लिव इन अ वर्ल्ड राइट नाउ वेयर एवरीथिंग गेट्स मैग्निफाइड सो मच एंड मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड टू हैव एन ओपिनियन बिकॉज एवरीथिंग गेट्स मैग्निफाइड एंड एवरीवन हैज एन ओपिनियन ऑन द इंटरनेट। सिंस व्हेन डिड ट्रोलिंग बिकम इंटरनेशनल न्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ट्रोलिंग फॉर अ रीजन। 30 में 30 कृति ने नेपोटिज्म इशू पर की बात। एक रीसेंट इंटरव्यू में नेपोटिज्म से जुड़े सवाल पर कृति ने कहा, I've been fortunate. It's not easy to meet big directors. Nepotism does exist. It always did. Star kids do get way more opportunities, but there are also people like Anushka Sharma, Deepika Padukone, and Sushant who've managed to make it. So as long as the opportunities are balanced, it's fine. 30 में 30 हिमेश रेशमिया का कुछ दिन पहले हुआ डिवोर्स, और उनके इस डिवोर्स की वजह अब जाकर आ गई है सामने। दरअसल हिमेश कुछ सालों से रिलेशनशिप में रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर के साथ, और कहा जा रहा है कि हिमेश ने डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि वो सोनिया से शादी करना चाहते हैं। हालांकि जब हिमेश की वाइफ को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने किया इस न्यूज को डिनाई।